यूपी 2022 के चुनाव में गुरुवार का दिन बेहद खास रहा, जब समाजवादी पार्टी से जुड़े तीन प्रमुख चेहरे एक साथ एक फ्रेम में दिखाई दिए। मैनपुरी में विजय रथ यात्रा के दौरान इन तस्वीरों को देख सपा प्रेमियों का दिल भर आया। पहली तस्वीर एक फ्रेम में दिखे मुलायम, शिवपाल और अखिलेश। मुलायम सिंह यादव ने जहां दिन में अखिलेश के समर्थन में करहल में प्रचार किया, वहीं शाम होते होते शिवपाल भी अखिलेश के विजय रथ पर सवार दिखाई दिए। अखिलेश की रथ यात्रा में मुलायम के साथ शिवपाल यादव भी अंदर बैठे नजर आए। इस तस्वीर में एक और बेहद खूबसूरत बात ये दिखाई दी कि कैसे पिता मुलायम सिंह यादव का सहारा बने हैं बेटे अखिलेश यादव। अपने बुजुर्ग पिता मुलायम सिंह यादव को सहारा देकर चढ़ाते दिखाई दिए अखिलेश। दूसरी तस्वीर अखिलेश के विजय रथ के साथ उमड़ा जनसैलाब। अखिलेश की विजय रथ यात्रा के साथ जनसैलाब उमड़ पड़ा। सपा का लाल रंग की टोपी पहने सपा समर्थक ही हर तरफ नजर आ रहे थे। बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर नीचे हर तरफ सिर्फ अखिलेश के विजय रथ को देखने की होड़ थी। हर तरफ सिर्फ सपाई ही सपाई दिखाई दे रहे थे। तीसरी तस्वीर अखिलेश की दहाड़ सुनने उमड़ी भीड़। अखिलेश को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। भारी संख्या में लोग अखिलेश को सुनने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश भैया के समर्थकों का जोश हाई दिखा। अखिलेश के नाम की ही हो हल्ला अखिलेश के नाम का ही हो हल्ला हर तरफ हो रहा था। चौथी तस्वीर हर धर्म से अखिलेश का जुड़ाव। क्योंकि अखिलेश समाज के हर तबके की बात करते हैं, इसलिए उनका एक समर्थक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के धर्म के चिन्हों को एक साथ एक फ्रेम में लेकर आया। इस तस्वीर में मास्क लगाए अखिलेश चारों धर्म को खुद में समेटे इस फ्रेम की तरफ देखते नजर आए। पांचवी तस्वीर पिता मुलायम सिंह यादव के सामने ससम्मान हाथ जोड़े नजर आए अखिलेश यादव। वहीं पिता मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर भी बेटे के समर्थन में उमड़े जनसैलाब को देख खुशी थी। छठी तस्वीर चुनावी जनसभा के बीच पिता मुलायम से किसी बात पर गहनता से विचार विमर्श करते दिखाई दिए अखिलेश यादव। सातवीं तस्वीर रात हो गई थी लेकिन अखिलेश के समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ था। समय के बढ़ने के साथ ही अखिलेश के चाहने वालों की भी भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। अखिलेश के समर्थन में जुटी भीड़ को अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आठवीं तस्वीर दूर दूर तक सिर्फ अखिलेश के समर्थक ही समर्थक थे। देखिए रात हो चुकी थी लेकिन फिर भी अखिलेश के पक्ष में भीड़ ऐसी कि जहां तक नजर जाए सिर्फ लाल टोपी ही नजर आ रही थी। दूर दूर तक अखिलेश के ही समर्थक उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। नौवीं तस्वीर एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर तक अखिलेश के चाहने वाले खड़े थे क्योंकि नीचे तो कहीं भी जगह नहीं थी लेकिन अखिलेश के समर्थन में उनके साथ ही खड़े होना था। तो देखिए कैसे साइकिल और सपा के झंडे के साथ कॉम्प्लेक्स में ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव के समर्थक। दसवीं तस्वीर क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान क्या महिलाएं, हर कोई सिर्फ सपा के लिए खड़ा दिखाई दे रहा था। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े थे। सबके चेहरों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। निश्चित ही मुस्कान अखिलेश को अपने शहर में देखकर थी जो कि अखिलेश का ही घर है। मैनपुरी भाई सपा का गढ़ है। कुछ ऐसा था अखिलेश यादव का आज का दिन। सुबह उन्होंने फिरोजाबाद में चार सभाएं की जिसमें सिरसागंज, शिकोहाबाद, जसराना और टूंडला सबको अलग अलग कवर किया। अलग अलग जाकर लोगों से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं दोपहर में 2:30 बजे के बाद से अखिलेश मैनपुरी में थे। पहले करहल, फिर मैनपुरी सदर, किशनी और भोगांव। एक ही दिन में पूरी मैनपुरी में अखिलेश ने जोश भर दिया। चुनाव से पहले अखिलेश की इसी हिम्मत को देख कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में भी एक अलग तरह का जज्बा दिखा। चुनाव से पहले अखिलेश की इसी हिम्मत को देख कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में भी एक अलग तरह का जज्बा दिखाई दिया। अखिलेश को अपने क्षेत्र में देख लोग फूले नहीं समा रहे थे। अखिलेश भी जानते हैं कि यहां से अखिलेश का वोट बैंक कहीं नहीं खिसकने वाला है क्योंकि यहां की जनता हमेशा हमेशा अखिलेश के साथ ही खड़ी नजर आई है। और अब तो अखिलेश करहल विधानसभा सीट से मैदान में है तो इस सीट पर तो हार का सवाल ही नहीं उठता। वैसे आपको क्या लगता है अपने गढ़ में करीब कितने वोटों से विजयी होंगे अखिलेश यादव? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।